कारकर्दगी दसो इमरान खान साहब, कारकर्दगी इमरान खान नो? हाँ बिल्कुल। की वजह मोहब्बत पा रहे हो, कारकर्दगी की बुनियाद पा रहे हैं? आप जो वोट देने जा रहे हैं वो कारकर्दगी की बुनियाद पे देने जा रहे हैं या आपको लीडर से मोहब्बत है? लोगों की राय लेने के लिए मैं सब्जी मंडी टोबा टैक्सिंग पहुंच गया। मशीन वोट पाने फिर आलू मिलने नहीं तो नहीं मिलने। जरा पीटीएम नु लाओगे ना मोर, ओनू 2 किलो से फ्री देने हैं। सर वोट किसको डाल रहे हो? फायदा लब नहीं रहा हले रिसर्च दे विच। वोट इमरान खान जी, वोट इमरान खान जी। क्योंकि इनका मंशूर जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की खातिर वो सारा कुछ कर रहे हैं। बिरयानी की प्लेट चाहिए नाल बाबा? बाबा के वो खाणी है ना। अच्छा जो बोटी केड़ी पौनी लत वाली सीने वाली बोटी तेनू नहीं मिलन रही? फ़ज़ा में उड़ते हुए कौओं का हजूम और शोर करते हुए कह रहे हैं कि हक में वोट देना, जो सही है उसे वोट देना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाहिम्मत पाकिस्तान से नईम रहमान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन परसों जुमेरात को 8 तारीख को जो है इलेक्शन होने जा रहे हैं, देखते हैं कि कौम किसके हक़ में फ़ैसला करती है। लेकिन ग्राउंड में जब मैं निकलता हूँ, मतलब मैं अपनी एक बात कर रहा हूँ, राय दे रहा हूँ, तो मुझे पीटीआई के लोग ज़्यादा नज़र आते हैं, नून लीग के लोग जो है कम नज़र आते हैं। बहाल कंपटीशन है, बड़ा सख्त मुकाबला है, तो देखते हैं कि लोग किनको जो है सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा नाज़रीन मैं अब जा रहा हूँ लोगों के कुछ कमेंट्स लेने के लिए, ताकि कुछ पता चले कि लोग जो है वो किसको सपोर्ट करते हैं। तो चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब, मेरे साथ रहिएगा और प्रोग्राम को एंड तक देखिएगा। तो नाज़रीन जितनी भी ये राय आपको मैं इस प्रोग्राम में दिखाऊँगा, ये लोगों की राय है, आवाम की राय है। हमारा काम है दिखाना और फैसला करना, आपका काम है। और मुझसे अगर पूछा जाए कि भाई आप किसको सपोर्ट करते हैं, तो भाई मैं मतलब हमेशा से यही बात करता हूँ कि यार कि हम उन लोगों में से हैं भाई कि जिससे भी हम अगर मोहब्बत भी करते हैं या जिससे हम प्यार करते हैं, जिसको हम वोट देते हैं, अगर कोई वो गलती करता है तो उसको जो है लाजमी पकड़ना चाहिए, लाजमी उसको जो है रियलाइज़ करवाना चाहिए कि भाई ये चीज़ आपने गलत की है। तो मतलब मैं उन लोगों में से हूँ, तो मैं देखूँगा कारकर्दगी किसकी अच्छी है, कौन सा यानी कि लीडर ऐसा है जिसने जो है इस मुल्क के लिए सोचा है। अभी चलते हैं अपने उन लोगों की जानिब, उनसे पूछते हैं कि भाई वो किसको वोट देंगे, किसको अपने लीडर मानते हैं और किसके साथ उनकी मोहब्बतें जो हैं वो शामिल हैं। सवाल मेरा सिर्फ इसके अंदर यही होगा सब लोगों से कि क्या आप जो वोट देने जा रहे हैं वो कारकर्दगी की बुनियाद पर देने जा रहे हैं या आपको लीडर से मोहब्बत है? तो मेरे साथ रहिएगा। लोगों की राय लेने के लिए मैं सब्ज़ी मंडी टोबा टैक्सिंग पहुँच गया। मैंने सोचा कि यहाँ पर भी लोगों से पूछा जाए, तो यहीं पर ही सारा प्रोग्राम किया गया है, तो मेरे साथ रहिएगा। वोट किन पा रहे हो? वोट पीटीआई। पीटीआई पा रहे हो? पीटीआई। अच्छा वोट मोहब्बत से पा रहे हो किसे नु या कारकर्दगी बुनियाद पे पा रहे हो? कारकर्दगी बुनियाद पे। कोई दसो कारकर्दगी कोई खास कारकर्दगी है? कोरोना भी रहा, इसने बहुत मुल्क चलाया, सारा मुल्क बंद सी। अच्छा फैक्ट्रियां भी चलदियां सी। अच्छा हर चीज चलदी सी। हां जी ਇਹਨਾਂ ਦੇ 40 ਸਾਲ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਲੁੱਟਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਥੇ ਦਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਗਿਆ ਆ। ਸਰ ਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਵੋਟ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ? ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਬੁਨਿਆਦ ਪਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦੱਸੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਜੇ ਕੋਈ ਸਾਥ ਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਹਿਰੀਕ ਲੱਭਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਵਾਂ? ਇਸਲਾਮੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜੋ ਹੈ ਇਨਕਾ ਵੋ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਫਿਸ ਹੋਗਾ। ਅੱਛਾ ਔਰ ਹਮ ਪਾਰਟੀ ਕੋ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕੀ ਨਾਮੂਸ ਕੀ ਖਾਤਰ ਵੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਸ਼ੀਨ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਆਲੂ ਮਿਲਣੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ? ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ 6 ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ 8 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਵਾਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸਾਜੀ। ਨਵਾਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੋਟ ਪਾਣੀ? ਮੁਹੱਬਤ ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਨਵਾਸ਼ਰੀ ਕਾਰ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਵੋਟ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜੀ, ਵੋਟ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਾ ਰਹੇ ਜੀ ਪੀਟੀਆਈ। ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਜਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਚ? ਮੁਹੱਬਤ ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਵੋਟ ਮੁਹੱਬਤ ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਮੰਡੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਸਰ ਵੋਟ ਕਿਸੋ ਡਾਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਵੋਟ ਯਾਰ ਹਲੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫੈਸਲਾ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹਲੇ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਾਂ। ਭਾਈਜਾਨ ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕਮ। ਵਾਲੇ ਸਲਾਮ ਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਪੀਟੀਐਮ ਨੂੰ ਲਾਓਗੇ ਨਾ ਮੋਰ, ਉਹਨੂੰ 2 ਕਿਲੋ ਸੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਖੀਰੇ ਵੀ ਨਾਲ ਕਿਲੋ ਲੈ ਕੇ ਦਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਖੀਰੇ ਦੋਗੇ ਸਰ? ਹਾਂ ਖੀਰੇ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ। ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੁਹੱਬਤ ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਹੈ। ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਥੋੜੀ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ।
सेहत कार्ड आए। अच्छा। और उसने उम्मत मुसलमा को जगाया है, उसका अच्छा। जज्बा पैदा किया है। किन्नू वोट पा रहे हो? पीटीआई। पीटीआई ने वोट पा रहे हो? पीटीआई की वजह खास थी कारकर्दगी उम्मत मुसलमान ने इन्होंने इकट्ठा किया, हेल्थ कार्ड कढ़िया लोगों की, गरीब आवाम अगे सगा हर बंदे नू कौंसलर दे दरते जाना पैंदा सगा, साडा मरीज आ उहनू जाके साडी हेल्प कीती जावे। लेकिन इमरान खान ने फी बंदा 10 लाख रुपया जेब विच पा दिता कि जदों भी जाओ किसी ने दरते जाने की जरूरत नहीं हैगी, अपना इलाज फ्री करा सकदा। किन्नू वोट पा रहे हो? सानू पैसे देवेगा कहड़ा काम करेगा उन्हें। अच्छा। की रेट लाया अपना है? रेट की लाया? 5 लाख ले लेवा मैं। 5 लाख रुपया? बिरयानी दी प्लेट चाहिए नाल खावा वो खानी है ना। अच्छा जो बोटी केड़ी पौनी लत वाली सीने वाली बोटी तेनू नहीं मिलन दी महंगाई हो गई ते हुण एकदम पीटी दी मोहब्बत आ की महंगाई थल्ले नु होएगी ना जी, और ओनू दित्ती जाएगी जी आई ना मोहब्बत आई मोहब्बत है। अच्छा कारकर्दगी दी बरियात नहीं वोट दे रहे हो? नहीं कारकर्दगी ते दे रहे हां, शहबाज शरीफ ने जेड़ा कीता काम महंगाई कीती है लोकां नु बाद च ओदे एहसास होया इमरान खान हां तेरी याद आई तेरे जाने नहीं महंगाई ता ओए ओदे एहसास महंगाई देखो इमरान खान दे दौर च महंगाई होई है ना, इमरान खान दे दौर च होई है ओ कोरोना दी वजह नाल बर्दाश्त जी इमरान खान ना वैसे मोहब्बत बर्दाश्त जी इमरान खान नु क्यों आपने प्रोग्राम देखा यहाँ पे मंडी में, मुझे ज्यादातर लोग जो है वो पीटीआई के नजर आए और काफी यानी कि वार्म थे, गर्म जोशी के साथ वो अपना जो है वो इजहार ख्याल कर रहे थे। देखते हैं कि 8 तारीख को अब क्या फैसला होता है, आवाम क्या फैसला करती है। मेरी दुआ है कि इलेक्शन जो है सही सलामत और सही तरीके से जो है वो अंजाम पाए। तो नाज़रीन मिलते हैं नए प्रोग्राम के साथ, बाहिमत अक्सर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।